अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज आप लोगों के साथ हम जेल फार्म की क्रीम लेकर आए हैं, वो है मैक्स टिफ स्किन वाइटनिंग क्रीम। सो आज हम लोग बताएंगे कि इसकी एप्लीकेशन कैसी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये किस स्किन के लिए सूटेबल है, किस स्किन के लिए नहीं, ये सब जानने के लिए आपको मेरी फुल वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलें जी, टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आप लोगों को इसकी फुल इंफॉर्मेशन देती हूँ। ये जो क्रीम आप लोग देख रहे हैं वो मैक्स टिफ की स्किन ब्राइटनिंग क्रीम है। मैक्सिमम डिफरेंस, इट्स मींस कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलने वाला है इस क्रीम को यूज़ करने के। ये 3-in-1 है, रीजनरेट ब्राइटनिंग एंड मॉइस्चराइजर। ये क्रीसी बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको अप्लाई करने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आपने अपने चेहरे पर कुछ लगाया है। स्पेशली इन समर में हमें ऐसी ही क्रीम्स चाहिए होती हैं जो चेहरे पर लगाने से आप लोगों को पता ही ना चले। ये आपके आपकी जो ब्राइटनेस होती है जो छुप जाती है, जैसे कि सनब्लॉक हम लोग ज़्यादातर नहीं करते कराची में या किसी भी ऐसे सिटी से या किसी भी ऐसे मुल्क में जहाँ धूप ज़्यादा होती है, तो हमें टैनिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से आप लोगों को ये जो क्रीम आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये आपको रात को सोते वक्त अप्लाई करनी है। और आपको अगर इसके बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो इसको आप डेली यूज़ कीजिएगा रात के वक्त। ये आपकी स्किन को बहुत ग्लोई करेगी और आपकी स्किन को एक चाम बना देगी। तो और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये फॉर्मूला क्रीम वो हो जो एक दो हफ्ते यूज़ करने के बाद आप लोगों को पता लगे कि ये बिल्कुल ही ठीक हो गई है, मतलब आप लोग चाहते हैं कि एकदम से सारा ग्लो आ जाए, और ये वो फॉर्मूला क्रीम्स होती हैं जो आप लोगों को फौरन रिज़ल्ट देती है, और जो इसके नतज होते हैं वो बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। लेकिन जो आप लोगों के स्क्रीन पर जो क्रीम आप लोग देख रहे हैं, तो मैक्स टिफ की ये क्रीम आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता आपके जो आपका अपना टोन होगा, जो आपकी अपनी ब्राइट स्किन होगी, जो ग्लो आपका अपना होगा, जो आप चाहते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इसके इस्तेमाल से आप लोगों, तो आपको लगाने का तरीका मैं आज दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने अप्लाई करना है। आप सबसे पहले आप क्रीम को ओपन करें और आपने मटर के दाने जितना लेना है क्रीम की क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ ज़्यादा निकल गया है तो मैंने दोबारा से इसको अंदर डाल दिया ताकि वेस्ट ना हो, क्योंकि ये बहुत ही स्मूथ, इसका टेक्सचर ऐसा है कि आपकी स्किन में बिल्कुल ही एब्सॉर्ब हो जाता है, आपको पता ही नहीं लगता कि आपने स्किन पर कुछ लगाया हुआ है। अच्छी तरीके से आप लोगों ने इसको मिक्स कर देना है। यहाँ मेरे यहाँ जो हाथ आप देख रहे हैं ना, एक हाथ, ये मेरा हाथ इसलिए बहुत बुरा हो गया है, राइट हैंड, क्योंकि यहाँ मैंने मेहंदी लगाई हुई थी और मेहंदी के इन्फेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं हार्ड केमिकल की वजह से। तो मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है, तो मैं हर वो चीज़ बहुत सोच समझ के लेती हूँ जो मेरी स्किन को सूट हो, तो बस थोड़ी अवॉइड करती हूँ केमिकल चीज़ों से। और ये जो क्रीम मैंने यूज़ की है, एक महीने से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, फिर मैं छोड़ देती हूँ, फिर लगाती हूँ। तो जब भी मैं एक या दो बार भी लगाती हूँ तो इसको इसकी स्किन मुझे फौरन ही मतलब ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। आई नो कि समर में हम अपनी स्किन का बिल्कुल ख्याल नहीं रख पाते, क्योंकि गर्मी की वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हम ऐसी चीज़ों को अवॉइड करते हैं। लेकिन ये जो क्रीम मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये बहुत ही मतलब सिंपल सी, आपको रात को बस लगा के सो जाना है। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आप लोगों को फ़र्क आना नज़र आ जाएगा। लेकिन आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि ये फॉर्मूला क्रीम है, तो वो फॉर्मूला क्रीम नहीं है जो आपको ब्राइटनेस है। ज़्यादातर लोग इसको इसी वजह से ख़रीदते हैं कि ये फॉर्मूला क्रीम है, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और जल्द अज जल्द दूसरों के साथ भी शेयर करना। जज़ाकअल्लाह।